तीन साथ में खून भा हमारा ये डब्बा देंगे। अरे सब सबको पिटवाएंगे क्या अखिलेश से? अजी ये तो सारे पटवाने सब पिटवाने सारे पटवाने के चक्कर में तो बीजेपी की शायद है। आपके पापा हैं? पापा हैं आपके? चाचा है। ये आपने चाचा है और आप बीजेपी के? यू भी बीजेपी का ही तो वैसे ही कर रहा। एक मिनट यू भाजपा भाई साहब एक मिनट, ये आपके अच्छा खासा आदमी है, ये आपके चाचा है। आपका क्या नाम है? अंकित है जी। अंकित और आपका राजिंदर। हाँ देखिए भाई साहब एक और अनोखी घटना, ये कह रहे समाजवादी को वोट देंगे, ये इनका भतीजा है अंकित। हाँ जी। अंकित कह रहा है भाजपा को वोट देंगे, ये मामला क्या है? घर में ही नहीं सिमट रहा मामला है तो आपका इनकी वजह तो कर रहा। हाँ अली तो सारे एक डब्बा क्या कह रहे हैं जाता जी बीजेपी तोड़ देगा पूरी। बीजेपी ऐसी कह रहा कहा तो कहा के चक्कर में पड़ रहा, ये भी खुंची लग जाएगी। हाँ बीजेपी बीजेपी कर रहा अध्यक्ष भी नहीं की उसका है भी नहीं के कुण पे है। दो, दो, एक यू एक। अरे अंकित ये क्या मामला है भाई बीजेपी का? अरे नहीं देगा फिर एक वोट तो क्या फर्क पड़ गया टाल करे। अरे वोट ही नहीं चाहिए क्या? ना चाहिए नहीं हमें चाहिए। ये आपकी कह रहे वोट ही नहीं चाहिए जाग का धन नहीं पता नहीं ये कह रहे आपकी वोट ही नहीं चाहिए। अच्छा वो 300 वाले कुनबे में आप भी हैं क्या उसी में? हाँ तो हाँ 300 है, 500 आदमी सारे रहे, 500 आदमी रह गए कहाँ रहे इतने आदमी? अरे जाता रहे समाजवादी वाले समाजवादी का तो आदमी हम अकेला नहीं देते क्या करूँ मैं? वो तो मरना मंजूर है, वो तो तुम्हें समाजवादी था। और ये भतीजा क्या कह रहे हैं बीजेपी को दे रहा है? जान से सब लोग मैं क्या ठेकेदार ले रहा किसी भी नहीं मानता। अभी आप कह रहे थे 300 डलवाऊंगा, फिर क्या करूँ मैं? तो था भरोसा, भरोसा ही तो हो ये तोड़ दिया भरोसा भतीजे ने, बता क्या करूँ भाई साहब? भरोसा तोड़ दिया आपने? हाँ तोड़ दिया। भाजपा को देंगे? हाँ भाजपा देंगे। अरे चाचा की बात सुन लीजिए यार। नहीं भाई हम तो भाजपा देंगे। नहीं आ, क्या कह रहे हैं? ये तो भाजपा ने खाओगे। और आप भाजी? हाँ तो समाजवादी पार्टी तोड़ देनी चाहे मर जाए, मरना मंजूर है। वोट समाजवादी को? धड़ा धड़ धड़ा धड़। अरे धड़ा घरवाली तो हम नहीं, वो कहा जाए घरवाली? अरे रुके भाई साहब रुके। अरे घरवाली पे भी भरोसा है या नहीं है? 100% भाई सुनिए 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 भाई सुनो सुनिए 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 101% है उस पर तो सुनिए। अब से पहले आपको भतीजे पे भी भरोसा था, ये तोड़ दिया। भतीजे किसके हुए? अच्छा हाँ यू खड़ा बापू इसका यू भी नहीं खेलो मजाक तो खेलो रहा है ये बुढ़ापा आ गया आप में, देखे कहीं भरोसा ना टूट जाए, बच्चों की ज्यादा जरूरत है। खेलनी तो है मेरी ये बच्चों राजिंदर जी ये क्या कर दिया आपके साथ? मजी बस जाकत है मजे पर है बिना क्या पता मतो दिखे देनी। आपका क्या नाम है? इसका बिरम सिंह। बिरम सिंह है। अच्छा ये आपके ही कुनबे के हैं? एक ताऊ चाचा का। ताऊ चाचा के? हाँ। आप क्या किसको वोट करेंगे बताओ भाई? हम तो वोट तो भाजपा करेंगे। भाजपा में भी कमी है? सुनिए एक मिनट सुनिए एक मिनट सुनिए भाजपा में कमी भी सुनिए। ये 300 वाले कुनबे में से ही है क्या? हाँ ये भी कुनबे बताइए। अरे क्या हो रहा है फिर 300 में से घटती जा रही है कुनबे बता तो ये कल्ली होट है भाई कुनबे बता तो सही कहा था बोले चले एक ही आदमी है सारा कुनबा ही है 16 आदमी है हिम्मत है। सुनिए सुनिए मेरी बात, एक आध आपका भी तो खड़ा होगा ढूंढ लीजिए। मेरा गर्दन से उठा के ढूंढ लीजिए एक भी लग रहा मैं तो कोई सा बोल दो ये नहीं बोलते एक गठबंधन के बाद भी अकेली रह गई क्या समाजवादी? अजी बस कुछ नहीं बम तो देनी आपको तो देनी। हाँ कुनबा दे या ना दे? कुनबा दो और चाह ना दो मुझे कुनबे ठेकेदारी है नहीं। एक काम करिए आज घर जाके भरोसा पक्का कर लीजिएगा कहीं वो भी ले जाए ये बोलो तो कर ही हुआ। अच्छा अच्छा चलो वहाँ भाग जाके भाग जो। अच्छा अच्छा जी बताइए क्या कमी बता रहे थे भाजपा की? यहाँ जाकर देख लो स्कूल के आगे
तालाब खुद रहा 35 फुट गहरा, अच्छा छोटा बच्चा कोई लिकट के जाए ना स्कूल में जाए जैसा बच्चे दंगा करता है उसमें गिर गया जाकर भी नहीं बचता, ये काम है यहाँ ये जरूर है दीवार बननी चाहिए स्कूल की बाउंड्री तो जरूरी चाहिए उसकी सड़क की तालाब की। अच्छा तो वो जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। अरे क्या फिर उसके बाद भी भाजपा को जा रहे हैं आप, क्या करें क्या कर मजबूरी है। अरे इनके साथ जाइए राजेंद्र की कोई तो मैं करवा दूंगा उस तरह तो हम टाइम सुन लो मैं अकेला आदमी तो भाग रहे हो 14 तारीख को फिर भाजपा में आ जाएगा जी 14 तारीख हाँ जी 14 राजेंद्र जी क्या कर रहे हैं कौन अजी वो बड़ा अब्बास की तो मालनी पड़ेगी दिखे इसकी तो मालनी पड़ेगी और तो सभी भाजपा के आप इनको भाजपा में लाएंगे हाँ जी आ जाएंगे इनके कहने से अजी बस की तो दिखे बात मालनी पड़ेगी बाप बात अब रुकिए ये देखिए पहले भतीजे ने भरोसा तोड़ा फिर अब तक घर तक जाते क्या पता वहाँ पे भी भरोसा टूटा हुआ मिलता अब यही भाजपा की होली है लो देखो कितने आदमी खड़े हैं सरों का बाप आयो इसकी तो बात माननी पड़ेगी तो आप नहीं जाएंगे समाजवादी को मजी बस इसे देखो तो भैया चोला छोड़ गया बाप आ दो ये तो हमारा बाबा तोड़ दिया गठबंधन समाजवादी का भाजी बा टूट गया वहां तो टूट गया जयराम जी की जयराम जी की हाँ अरे जयराम जी की कहते हुए आपके पड़ोसी हैं धर्म सिंह सैनी अच्छा कूद उठते हैं एकदम से रात कूद गए बोले कि सैनियों के गांव में घुसने तक नहीं दूंगा मेरे सामने जय श्री राम बोलोगे तो देखा आपने हाँ देखा वो वीडियो वायरल हुआ उनका देखा एक बार उनके सामने मत बोल दीजिएगा कूद जाएंगे जय श्री राम कहते ही अब आप समाजवादी के थे अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के होते ही जयराम जी की बोल अजी बाबा तो दोगला साथ भी दल्लोड अभी कर दूंगा काम दल्लोड़ करते हैं हाँ चलिएगा थोड़ा भरोसा बनाए घर जाके 300 वोटों में से देखिएगा ये यहाँ पर गांव के लोग हैं और ये समाजवादी के थे जो अभी अभी टूट गए गठबंधन से इनके कहने से और यहाँ पर क्या नाम है आपका कुलतार सिंह क्या लग रहा माहौल क्या है माहौल तो भाजपा का ही है जी भाजपा का है हाँ जी भाजपा का माहौल है इतनी महंगाई में फिर उसके बाद भी नहीं शांति भी तो है शांति है हाँ, शांति को लेकर भाजपा हाँ जी भाजपा है चलिएगा ये कह रहे शांत अच्छा मुस्लिम है हाँ जी क्या नाम है आपका सलीम सलीम जी क्या लग रहा है मेरे को कुछ लग रहा कुछ नहीं लग रहा अरे इधर तो आइए सुनिए किसी से डरना नहीं है कुछ नहीं कहना आप बताइए माहौल क्या है जिसका आपको लग रहा है वो बोलिएगा इनसे किसी से मन पता हम तो मजदूर आ रहे मजदूरी कर रहे हैं मन पता साइकिल को देंगे फूल को या हाथी को मैंने कहा कभी देता वोट तो डालनी चाहिए डालता ही नहीं चलिए बोलिएगा मत डालता नहीं मगर सुनिएगा यहाँ पर बताइएगा मत लेकिन वोट डालने जरूर जाइए मेरे को वैक्सीन नहीं लगी मेरा इसलिए वोट नहीं करते मेरी लगवा देंगे वैक्सीन आपको लेकिन वोट डालने जरूर जाइए वोट डालना अधिकार होता है वोट डालने चलिए देखिए गांव में आप लोगों ने बखूबी सुन लिया माहौल क्या है अब तक के लिए इतना ही मैं हूं रोहित शर्मा आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 जय हिंद